मंगलवार को कोरोना की चिकित्सा सेवाओं की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल के तहत जिला के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर मॉक ड्रिल कर चिकित्सा संस्थानों की समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कोविड से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की तैयारियां पूरी है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा से लेकर इंतजाम पुख्ता है, ताकि किसी भी स्थिति पर कोरोना का इलाज और नियंत्रण किया जा सके। CMHO मुश्ताक खान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्स्टेंट उपकरण, दवाइयों सहित अन्य उपकरण पूर्ण रूप से सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 19 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान 16 चिकित्सा संस्थानों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से सैचुरेशन एवं प्रेशर अन्य उपकरण पुख्ता पाए गए हैं, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा प्लांट पर उपकरण खराब होने के कारण नहीं चल पाया है, जिसकी मरम्मत के लिए हिंदुस्तान जिंक को सूचना दी गई है। महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के 5 प्लांट में से 3 प्लांट पूर्ण रूप संचालित है। शेष 2 प्लांट में आ रही कमियों को अविलंब दुरुस्त के लिए कार्यवाही की जा रही है, जिसकी सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिले के चिकित्सा संस्थानों पर हर माह मॉक ड्रिल की जाकर ODS पोर्टल पर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हाल ही के दिनों में चाइना में जो है कोविड के केसेस निकले हैं और उसके लिए अलर्ट भी जारी हुआ है, और हिंदुस्तान में भी कुछ चाइना के जो केसेस थे जो विदेश से आए थे वो पॉजिटिव निकले हैं, एक नया वेरिएंट आया है उसके लिए। तो मेरा तो ये कहना है इस मामले में कि जो एडवाइजरी जो जारी हुई है अभी उसकी पालना करनी चाहिए। और जहाँ तक तैयारी वाली बात है, तो भिलवाड़ा में हमने कोविड के पहले और दूसरे जो लहर थी उसके दौरान हमने जो इंतजाम किए थे उनको हमने रेडी रखा हुआ है। वर्तमान में हमारे ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो जिले में 20 हैं, और सबका हर महीने हम लोग जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि वो काम नहीं आए हैं अभी तक, तो हम उनकी मॉक ड्रिल करके और उनको चालू हालत में रखे हुए हैं। दूसरी चीज, जो हमारे बेड जो पिछली बार CHC पे हमने लेट जो चालू किए थे, अब वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लग गए, तो वो लोग भी रेडी है वहाँ पे भी सारी मेडिसिन। उसके अलावा जो स्टाफ की हमने ट्रेनिंग करा रखी है, और अभी एक बार नए सिरे से जब ये वायरस आया है पुनः, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तैयारियों को भी हम लोग जो है एक बार पुनः धार देने वाले हैं। और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित करके जल्दी ही हमारा जो एक वर्कआउट करने वाले हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी है। देखिए, वैक्सीनेशन की अगर अपन बात करें तो जो पहली डोज थी वो हमारी 99% लगी थी, और दूसरी डोज हमारी 94% लगी थी, और जो प्रिकॉशन डोज जो लगनी थी वो हमारी 12% ही लगी है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो लोग अभी प्रिकॉशन डोज से जो बचे हुए हैं उन लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए आप एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें भी ये बोला गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको अगर प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है उसको डोज लगवानी चाहिए। हमारी तैयारी है, अभी हमारे पास कोवैक्सीन अवेलेबल है, तो जिनको कोवैक्सीन लगी है और अगर उनका बूस्टर डोज बाकी है तो वो बूस्टर डोज आके तत्काल लगाइए। प्रिकॉशन डोज के अलावा भी क्या सावधानियां और देखिए, कोविड में तो कोविड प्रोटोकॉल अपने को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है, ये जो बीमारी है ये छींकने और खांसने से फैलती है। तो ऐसे लोग जो खुद सिम्टोमेटिक हो रखे हैं, जिनको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है, तो वो लोग घर से बाहर ना जाए, वो लोग मास्क लगा के रखें खुद भी, ताकि एनवायरमेंट को वो खराब नहीं करें और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो। और जो लोग हेल्दी हैं जिनको कुछ नहीं है उन लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए अभी, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से अभी से बचना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं कि हम लोग जो है अभी ये सोचें कि अभी तो चाइना में है वायरस, और पिछली बार भी आपने देखा है कि चाइना से वायरस आने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। तो कभी भी कुछ भी यात्री जो है बाहर गए विदेश से और तत्काल यहाँ पे आके माइग्रेशन, क्योंकि अपना टेक्सटाइल सिटी है तो यहाँ पे माइग्रेशन भी बहुत है, बहुत सारे लोग यहाँ के मुंबई दिल्ली और यहाँ पे रेगुलर जाते रहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं विदेशियों के टच में आएंगे तो संक्रमण हमारे यहाँ भी आ सकता है। तो प्रिकॉशन की बहुत जरूरत है। डोज लगाने वाले आदमी जो उसके अलावा भी पैनिक वाली स्थिति बन रही, क्योंकि जो पहले वाला डर था देख, मैं ये कहना चाहूंगा कि पैनिक नहीं करना, पैनिक किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। ठंडे दिमाग से हमें सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, तो हमें लोगों में एक पॉजिटिव थॉट्स करनी चाहिए कि भाई अब समय आ गया है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाए अपन, और जो गैदरिंग हो रही, जो मेले वेले हो रहे हैं, प्रिकॉशन रख के जाए अगर अपने को जाना ही ज्यादा जरूरी है तो। बाकी अवॉइड करें, हाथों को सैनिटाइज करें, बराबर हाथों को धोएं आप लोग, है ना। और सर्दी जुकाम खांसी वाले लोग तो कम से कम बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाए, ताकि ऐसा ना हो कि उनको कोविड और अनजाने में लोगों को स्प्रेड कर रहे हो। जी हाँ, चिकित्सा विभाग की तैयारी हमारी हमने पूरी कर रखी है। देखिए, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट रेडी है, हमारे पास लॉजिस्टिक PPE किट और जो N95 मास्क वगैरह है और जनरल मास्क वगैरह हमने रेडी करे हैं, मेडिसिन वगैरह की भी कोई कमी नहीं है हमारे पास। कोरोना का अभी नया वेरियंट आया है, इससे हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु एहतियात रखने की बहुत जरूरत है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो कृपया करके वैक्सीन लगा लें, और जिन व्यक्तियों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है
वो नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके बूस्टर डोज लगा लें। हमें अब इस कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, ये सितंबर में ही आ चुका है इंडिया में, परंतु इसका एक जनरल प्रभाव है, कोई कहर नहीं बरपा रहा है। परंतु कहर नहीं बरपा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। हमें कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं रहना है, 2 गज दूर रहना है, घर में आने के बाद हाथ वगैरह धोना है, इन सभी चीज़ों का पालन करना है। संसाधन भी, ऑक्सीजन सप्लाई भी सभी प्रचुर मात्रा में है, तो जनता को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये एक सामान्य बीमारी के रूप में अपना सफर पूरा करके यहाँ से विदा हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल डायरेक्टर। ये जो कोरोना का नया वेरिएंट भी आ रहा है, वो लोगों के लिए इतना घातक नहीं है और इसके से लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लगभग सितंबर महीने से चल रहा है और हल्की सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार का लक्षण इसमें दिख करके और सामान्य ट्रीटमेंट जो अपन देते हैं वायरस का, उस ट्रीटमेंट से ही मरीज ठीक होकर के अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और इतना स्पाइक भी इसका नहीं आएगा जितना कि पहले जो वायरस का जब दूसरी लहर आई थी और उस समय हुआ था, इतना नहीं रहेगा।